To start within next 5 minutes, sir. We are supposed to have more attendee, more than even 200 people. Right now we are having 114 plus. We are supposed to reach more than 200 plus participants. Rakesh, I hope you don't mind waiting for 5 minutes more. Yeah, good afternoon. Not an issue, sir. भाटिया सर। हाँ जी मेनका मैडम ने सर ज्वाइन नहीं किया है अभी तक। आप वो लोग है ना अटेंडेंस वगैरह जी, मैसेज तो मैंने कर दिया था नॉट इशू। एंड परनीत मैम मॉडरेट करेंगी ना सर? उनका नाम तो नहीं मैंने दिया था, मतलब शुरुआत मैं करूंगा और वोट ऑफ थैंक्स मैं मेनका मैडम को बोला था करने के लिए। जी मैम। जी सर। राकेश जी, द इनॉग्रल सेशन वुड बी डन बाय ओनली अरुण भाटिया सर ओनली। ओके सर। सर एंड फॉलोड बाय द एड्रेसिंग ऑफ द गेस्ट एंड देन वोट ऑफ थैंक्स वुड बी गिवन बाय मेनका शर्मा देन द सेशन वुड बी ओवर। Clear? Sir, let us begin. Now the mic and the ball is now in your court and today is your event only, sir. Wish you all the best. Okay. And very good afternoon to the whole dignitaries and our respected chief guest, Dr. Rakesh Mehta. Good to see you, sir, here. That's so kind of you for having me here. Yeah. Akesh, I mean, if you could just, put yourself on, on for the entire session, because if you are doing it, then probably, there will be a miscommunication. So, okay. Apna speaker hamesha on rakhna. Ji, sir. Aur jaise meri aadat hai, jaise beech mein agar if your session is on, probably I may intervene, I may, try to add something. So, please don't mind my indulgence. Most welcome, sir. Most welcome. So welcome everybody. As part of the IIC program, I welcome Mr. Rakesh Mehta. He is the co-founder of Excel Education Trademark. He is an alumni of Trinity University, my school. While doing his under my belt in competitive intelligence corporate warfare. He already had this vision of doing something on his own, even though he had a background of working in an organization. But because he was pursuing, his full-time MBA at MIT, so he had to forego his work. And some brilliant thought may have come, which he never shared with me while doing his MBA program. While doing his MBA program, he had started on with a venture. ये मुझे कोई 4-5 साल बाद जाके पता लगा, तो I congratulated him. He is one of those students जो spontaneous रहे हमेशा, हमेशा he is always come out with something novel, something unique. जैसे हमारे हम लोग colleges में presentations वगैरह देते, तो भी एक बड़ी यूनिक स्टाइल में होती थी और हमेशा एक इनोवेटिव थॉट, एक आउट ऑफ द बुक ये मतलब लाके प्रेजेंट करते थे। तो प्रॉब्ली दैट वाज द स्टार्ट ऑफ एन एंटरप्राइजिंग पर्सन।
मेरे को पता नहीं था, मैं वाकिफ नहीं था इन चीजों से, इन्होंने कभी मैसेज शेयर नहीं की। हाँ, इन्होंने एक दो बार टांगे तो जरूर तोड़वाएंगे व्हाइल ड्राइविंग, यू नो, फ्रॉम द स्पीजी टू द कॉलेज, और काफी मौज मस्ती हुई, वी शेयर गुड मेमोरीज। इन्होंने एक कंपनी सेटअप की है एसएल एजुकेशन, जो यूजीसी की प्रिपरेशन वगैरह करवाते हैं, यूजीसी नेट की प्रिपरेशन वगैरह करवाते हैं। वेल क्वालिफाइड पीपल ही हैज, ही हिमसेल्फ इज अ यू नो टास्क मेकर, ही हिमसेल्फ गेट्स इंडल्ज, ये खुद भी क्लासेस लेते हैं 9 times, ये खुद यूजीसी क्लियर, इन्होंने पेपर्स क्लियर किए हुए हैं, इनडेप्थ नॉलेज है इनको, पूरा पता है कि पैटर्न कैसे किसी का यूजीसी में कैसे पैटर्न आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, पूरे तरीके से ये अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं। इन 2003 राकेश, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपने शायद 2 lakh स्टूडेंट्स को जो है पास आउट किया है, और इनके स्टूडेंट्स जो है काफी अच्छी नामी यूनिवर्सिटीज में ज्वाइन किए हैं एट द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर एंड एसोसिएट प्रोफेसर, ऑल ओवर इंडिया, बट बाहर से भी इनके पास स्टूडेंट्स हैं, अबू धाबी से, यूएई से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रिया से, पोलैंड से, इजिप्ट से, ये जहाँ तक मुझे पता है। इन्होंने काफ़ी अवार्ड्स वगैरह जीते हैं, जैसे इंडिया एजुकेशन अवार्ड 2018 में इन्होंने जीता, ही इज ऑल्सो द एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड इन 2017, इंटरनेशनल एजुकेशन अवार्ड लिया है, 10 मोस्ट प्रॉमिसिंग ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स का भी इन्होंने अवार्ड जीता है। इनके स्टूडेंट्स के जो पास आउट रेट है वो 99.97%, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसी प्रिपरेशन में करवाते होंगे। ये अपने शहर गुरुग्राम में जहाँ इनका सेटअप है, ये वहाँ के बेताज बादशाह हैं, इन्होंने अपने सारे कॉम्पिटिटर्स को धराशायी कर रखा है, इनका एक अपना यूनिक स्टाइल है, बहुत ही हम्बल, डाउन टू अर्थ, सच्चे और ईमानदार किस्म के इंसान है ये। ये मेरे को एक इनका एक एग्जांपल जो याद आ रहा है, एक इंस्टेंस याद आ रहा है, जब मैं अभी तक नहीं भूला, इन्होंने मुझे फ़ोन करके खुद बताया था, इनके एक स्टूडेंट आई थी जो एडमिशन के लिए 30,000 रुपये शेयर एक्स्ट्रा दे गई थी। अगर कोई और होता तो शायद वो चुप करके बैठे थे, क्योंकि स्टूडेंट को पता ही नहीं था कि उसने एक्स्ट्रा अमाउंट दे दिया है, बट इनकी नॉलेज में जैसे ही आया, इन्होंने स्टूडेंट को कॉल बैक किया और उनके पैसे उनको वापस लुटाए। तो ऐसे ही ये हम्बल, एक सच्चे, एक ईमानदार, बहुत ही हार्ड वर्किंग, इनोवेटिव, क्रिएटिव, अभी पिछले 2 साल से जैसे पैंडमिक के हमारे काफ़ी बिजनेस को काफ़ी इफेक्ट पड़ा है, बट इन्होंने एक अपना ही प्लेटफॉर्म एक अलग से तैयार किया है। इन्होंने कभी हार नहीं मानी, ना ही ये हार मानने वालों में से एक कोई है। ये अपनी ज़िंदगी जो है कोई ना कोई मतलब कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेते हैं। तो एक इन्होंने अपना एक अलग से वर्टिकल शुरू किया है, जिससे अभी जो है बिजनेस इनका भी, मतलब इनका अभी बिजनेस की कोई ज़्यादा आँच नहीं आई है। राकेश, मैं ये थोड़े से गुण गा सकता हूँ आपके, और बाकी मुझे पता नहीं, वैसे तो पूरा दिन शायद निकल जाए आपके आपके बारे में बात करते हुए ना। अब मैं चाहूँगा कि आप जो है अब शुरुआत करें। जी सर, थैंक यू वेरी मच इतना डिटेल में सब कुछ बताने के लिए। वैसे आई वाज एक्सपेक्टिंग ए 30-second इंट्रोडक्शन, बी 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 पॉइंट्स, तो आपने बहुत ज़्यादा डिटेल में बता दिया स्टूडेंट्स के लिए। यस, ये सब कुछ हुआ है, और इस सबके साथ ना आई वॉन्ट टू एड ऑन अ फ्यू थिंग्स, कि होता क्या है कि हम लोग ना जब भी कोई अचीवमेंट होता है तो एज एन एंटरप्रेन्योर हम सब एक अहंकार में आ जाते हैं कि ये मैंने अचीव करा। तो ऐसा नहीं है, आई कुड बी द शोमैन, बट मेरे पीछे बहुत बड़ी एक टीम है डेडिकेटेड लोगों की, जिन्होंने अपने दिन रात एक कर रखे हैं। भले ही आई हैव अ ऑफिशियल डेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर एस्ट्रल एजुकेशन, लेकिन आई यूजली कॉल माई सेल्फ ए CTO, दैट इज चीफ ट्रबलिंग ऑफिसर, तो आई कीप ऑन ट्रबलिंग माई टीम, गिविंग दम न्यू टास्क एवरी टाइम, एंड जस्ट लुक फॉरवर्ड फॉर द सॉल्यूशंस। तो टीम का बहुत ज़्यादा रोल होता है, इट्स नॉट ओनली मी हु इज डूइंग इट, इट्स द होल टीम। तो इस तरीके से ये है,
एक छोटा सा दो मिनट का इंट्रोडक्शन सा आई वुड शेयर विद यू गाइस. तो द जर्नी स्टार्टेड इन 2003. आई स्टार्टेड दिस थिंग एज अ पार्ट टाइम अर्निंग अपॉर्चुनिटी. और तब ये शुरू हुआ था तो ऐसा था कि भाई चलो कुछ करते हैं, तो ये स्टार्ट कर दिया. और उसके बाद हुआ क्या कि पार्ट टाइम में था, स्टडी मटेरियल वगैरह सेल कर रहे थे जस्ट टू अर्न. रियलाइज हुआ कि बहुत बड़ा एक गैप है एजुकेशन सेक्टर में. जो टीचर्स रिक्वायर्ड है वो यूजीसी नेट क्वालिफाइड टीचर्स रिक्वायर्ड है, लेकिन कोई ढंग का इंस्टीट्यूशन नहीं है जो उनको इस चीज में सपोर्ट कर पाए. तो वो मटेरियल बेचने से लेकर के वो क्लासरूम डिवीजन तक का जो सफर था वो बड़ा इंटरेस्टिंग था. इन द मीन टाइम MBA परस्यू किया है MIT से. इन द मीन टाइम जॉब करी कॉर्पोरेट सेक्टर में, एयरटेल में जॉब करी और दो कंपनीज में जॉब करी. एक US बेस्ड कंपनी में जॉब करी, मुंबई शिफ्ट हुआ कुछ टाइम के लिए, वहाँ पे कुछ लर्निंग्स करी. तो ये सब कुछ चलता रहा. छोटे मोटे अप्रिसिएशन और अवार्ड्स भी मिलते रहे, कुछ बड़े अवार्ड्स भी मिले. तो ये कुछ इनके ग्लिम्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे. दिस वन इज विद द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. वी हैव बीन अवार्डेड एज चैंपियन ऑफ चेंज इन एजुकेशन एट विज्ञान भवन. और दिस इज द प्रोबेबली द बिगेस्ट अचीवमेंट वी हैव. उसके अलावा बहुत सारे सर्टिफिकेशन है, लाइक फॉर्मल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिस्टर के जी बालाकृष्णन से है, और बहुत सारे सेलिब्रिटी अवार्ड है, एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड है, और बहुत सारे हैं. तो आई विल नॉट गो मच इन टू डीप. जो मेरी टीम ने अचीव किया है साथ मिलके, तो सीधा सीधा आई विल कम स्ट्रेट अवे टू की हाउ टू डू दिस, रादर देन मी टेलिंग कि ये मैंने किया ये मैंने किया. उससे अच्छा ये है कि हम ये बात करें कि ये करना कैसे है. तो जब क्वालिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर की बात करते हैं ना, तो मुझे सबसे पहले द फर्स्ट थिंग आई हैव इन माइंड इज निरअहंकारिता. यानी कि यू शुड एज एन एंटरप्रेन्योर यू शुड नॉट हैव कि ये मैंने अचीव किया. अगर हम निरअहंकारिता पे बात करते हैं, अगर हम इस चीज पे बात करते हैं कि भाई हम एज अ टीम सब अचीव कर रहे हैं, तो सक्सेस अचीव करना बहुत आसान हो जाता है. टीम का मोटिवेशन लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, ठीक है. और इसमें ना कोई मैटर नहीं करता है कि आपकी क्या एज है, क्या जेंडर है, क्या सेक्स है, क्या एजुकेशन है. तभी आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन पाएंगे. ऐसा कोई रूल नहीं है. आई कैन गिव अ फ्यू एग्जाम्पल. जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का नाम सुना होगा काफी लोगों ने. तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जो थे वो 90 साल की उम्र में पेड़ पे चढ़े और गिर गए. तो यार दोस्त इकट्ठा हुए, अरे ये क्या तुम्हें सूझा कि तुम 90 साल की उम्र में पेड़ पे चढ़े. तो उन्होंने बड़ा अच्छा एक जवाब दिया. उन्होंने कहा कि मेरे को ये दुख नहीं है कि मैं 90 साल की उम्र में पेड़ से गिर गया. मुझे इससे बड़ा दुख ये होता कि मैंने 90 साल तक कभी चढ़ना ट्राई नहीं करा था. तो आई ट्राइड, आई फेल्ड, बट आई विल ट्राई अगेन. तो आई कैन से एटलीस्ट मैंने ये चीज ट्राई करी हुई है, तो मुझे इसमें पता है कि क्या हो सकता है. अगर वो ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग नहीं लाते अपने अंदर, अगर हम लोग अपने अंदर वो चेंजेस नहीं लाते, हम लोग वो सेल्फ बिलीफ नहीं लाते, अपने आप पे वो ट्रस्ट नहीं करते, तो सक्सेस अचीव करना ना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा. एक बड़े फेमस व्यक्ति हुए हैं, बस कंडक्टर से उनकी एक गॉड ऑफ मूवीज तक की जो उनकी जर्नी रही है, रजनीकांत जी की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है. या एक नन सिस्टर जो थी, उन्होंने कैसे अपने आप में बिलीव किया और पूरा इतना बड़ा एक मिशनरी नेटवर्क क्रिएट किया, बहुत लोगों की इतनी सेवा करी. आज भी लोग उनके नाम पे फ्री खाना खाते हैं. मैं मदर टेरेसा की बात कर रहा हूँ. या एक कॉलेज ड्रॉप आउट कैसे अपने आप में इतना बिलीफ रखता है और एक पूरा सिस्टम क्रिएट कर देता है, और स्टीव जॉब्स के नाम से वो जाने गए. तो ये जितने भी लोग हैं, ये सब कहानियां नहीं है, ये सब सच्चाइयां हैं जो अभी कुछ टाइम में पीछे हुई हैं, जिसके हमारे पास प्रूफ्स हैं. तो कहानियां बहुत सारी सुनी होंगी हमने. कहानियों में अगर मैं बात करूँ तो मेरी एक फेवरेट कहानी है, जहां मैं बात करता हूँ हनुमान जी की. तो हनुमान जी के बारे में ना ये कहा जाता है कि हनुमान जी जैसा कोई पावरफुल भगवान, पावरफुल शक्ति हुई नहीं है उनके, लेकिन ना सारे कामों को कहा जाता है कांड. तो हम लोगों ने भी, मेरे को इससे रिलेट में इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट सुन रहे हैं. तो हम लोग भी जब आपस में बात करते हैं स्टूडेंट, तो हम कहते हैं यार कांड हो गया. तो कांड इज नॉट अ बैड वर्ड, कांड इज अ वेरी गुड वर्ड. चाहे वो लंका कांड हो, चाहे अयोध्या कांड हो, चाहे सुंदर कांड हो, तो इतने सारे जो कांड है उन सब कांडों की अपनी अपनी महत्ता है.
सब कांडों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, तो कांड इज अ वेरी गुड वर्ड, सो डोंट टेक इट अदरवाइज. तो होता क्या है, हनुमान जी को ना एक श्राप मिला था कि वो अपनी शक्तियां भूल गए थे बचपन में, क्योंकि मतंग ऋषि ने उनको श्राप दे दिया था उनकी उद्दंडता उनकी शरारतों की वजह से. अब जी जब सीता जी को रावण ले गया तो ढूंढने की बारी आई, तो जामवंत जी ने ड्यूटी लगाई कि हनुमान जी आप जाइए और आप ढूंढ के लाइए. अब शक्ति तो वो भूल चुके थे, तो सीन समझिए कि जामवंत जी हनुमान जी को याद दिला रहे हैं कि आप में ये सारी शक्तियां हैं. हनुमान जी जंप करते हैं, उड़ते हैं, सागर के ऊपर से जा रहे हैं. सबसे पहले उनको राक्षसी मिलती है सुरसा. जो सुरसा मिलती है उसको क्या वरदान था कि जी वो परछाई खा के खा सकती थी. मतलब बेसिकली क्या था, सुरसा जो थी वो मुंह के अंदर हर जाने वाले को अपने मुंह के अंदर कैप्चर कर लेती थी. तो अब हनुमान जी ने कहा जी ऐसा है, टाइम नहीं है मेरे पास, मुझे तो बहुत जल्दी जल्दी जाना है, आप फटाफट जो भी है फ्री करो मुझे. तो कहते हैं यहां से मुझे वरदान प्राप्त है, खाए बिना मैं किसी को नहीं जाने दे सकती, मुझे तो तुम्हें खाना है. तो हनुमान जी ने पहले बल का प्रयोग करा. कैसे करा, साइज बड़ा करा, दो गुना हुए, चार गुना हुए, आठ गुना हुए, जितने वो बड़े होते जाए उतना सुरसा का मुंह बड़ा होता जाए. तो बल जब काम नहीं आया तो बल में बड़ा होना पड़ता है, लेकिन जब बुद्धि की बारी आती है तो छोटा होना पड़ता है, विनम्र होना पड़ता है. तो हनुमान जी बड़े होते गए 2, 4, 8, 16, 32, 64 गुना, और फिर एकदम से छोटे हुए, मुंह में गए, चक्कर काट के वापिस आ गए और हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि देखो माँ, मैंने तुम्हारा जो वरदान था उसको पूरा कर दिया है, अब मुझे आगे जाने दो. तो दैट वॉज हाउ द ब्रेन इज बींग यूज इन बिजनेस. इवन इन योर टास्क यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर, इट्स नॉट ऑलवेज अ सींग अड़ा के फाइट करना है. बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपको प्यार से चीजें निकालनी होती है बिजनेस में. तो हर स्टोरी, हर सिचुएशन एक अपने आप में ना बहुत बड़ी लर्निंग है. तो वहां से वो आगे निकले, फिर लंकिनी को मारा, सीता जी के पास पहुंचे, वहां पे जाके वो मुद्रिका जो दी थी राम जी ने, वो मुद्रिका उनको दिखाई. तो अब वहां जाके ये नहीं बोला कि देखो मैं हूं, मैं लड़के आया हूं, मैंने लंकिनी को मारा, मैंने सुरसा को मारा, ऐसा कुछ नहीं कहा. उन्होंने क्या कहा, रामदूत मैं मात जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की. यानी कि सीता जी को वो यकीन दिला रहे हैं कि मैं जो हूं, मैं हनुमान रामदूत हूं और मैं अपने राम की कसम खाता हूं कि मैंने ये किया है, मैं आपके पास पहुंचा हूं. लेकिन कहीं भी उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि मैं चाहता तो मैं ये कर देता, मैं चाहता तो मैं वो कर देता. तो निरअहंकारी होना एक बिजनेसमैन के लिए सबसे बेसिक क्वालिटी है. उसके बिना आप टीम ना खड़ी कर पाओगे, ना आप उसको सक्सेसफुली रन कर पाओगे, ना आप डेली शो रन कर पाओगे. बहुत बार ऐसी सिचुएशंस आएंगी बिजनेस के अंदर जहां पे टिफ फाइट होगी, जहां पे ऐसा होगा कि यार ये तो ईगो पे बात आ गई है. तो अब या तो ईगो सेटिस्फाई कर लीजिए और या फिर बिजनेस प्रॉफिटेबली रन कर लीजिए. सो क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो एक बिजनेसमैन समझ सकता है. तो ये इतने सालों में ये जो सब ठीक ठाक हुआ, ये सब हुआ, इसका ना ग्राउंड रूल जो मैंने पकड़ा, मैं आज सिर्फ अपनी अपनी स्टोरी से कुछ लर्निंग्स आपके साथ शेयर कर रहा हूं. तो मैंने जो ग्राउंड रूल पकड़ा वो था निरअहंकारिता, कि आप कर रहे हो, टीम के साथ मिलके कर रहे हो, बट इट शुड नेवर कम लाइक कि सिर्फ मैंने किया है. ये ग्राउंड रूल है. अगर आप लोग, जितने भी लोग आप में से आगे बिजनेस परस्यू करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, इनफैक्ट इवन इन द जॉब आल्सो, आप इसको एक बेस बना के चल सकते हैं. ठीक है, उसके बाद जब हम इसकी बात करते हैं, तो जब ये सब कुछ करके हनुमान जी वापिस आ गए राम जी के पास, तो अब हनुमान जी तो राम भक्त है, हनुमान जी आ गए वापिस, तो जामवंत जी को आके बता दिया सारा कुछ. राम जी को उन्होंने बता दिया, अंगूठी के बदले अंगूठी जो मिली वो लाके दे दी. अब हुआ क्या कि राम जी कहते हैं बताओ हनुमान तुमने किया, तो हनुमान जी कहते हैं नहीं मैंने नहीं किया. फिर राम जी रामवंत जी से पूछते हैं हाँ जी किसने किया, तो कहते हैं हनुमान जी ने किया. फिर हनुमान जी कहते हैं नहीं प्रभु मैंने तो नहीं किया. फिर राम जी कहते हैं बताओ जामवंत किसने किया. तो ये कन्वर्सेशन चलती है. तो फिर राम जी दुखी होकर लास्ट में कहते हैं तो क्या मैंने किया, तो हनुमान जी कहते हैं हाँ प्रभु आप ही ने किया. सो यू शुड नो व्हेन टू गिव क्रेडिट टू द अदर पर्सन. लर्निंग इज कि हर चीज का क्रेडिट नहीं लेना है, सामने वाले को भी देना है. अगर आपकी टीम ने नाइट एंड डे किया है तो वो क्रेडिट उनको जाना चाहिए. ठीक है, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है किसी भी बिजनेस सेटअप की. पुराना टाइम नहीं है जहां पे आप किसी भी एम्प्लॉय को अपना बंधुआ मजदूर समझोगे और काम करवा लोगे. इट्स मॉडर्न एरा जहां पे एम्प्लॉयज आर योर बेस्ट रिसोर्सेज एंड दे आर योर इक्वल पार्टनर्स. ठीक है,
तो ये ना बहुत जरूरी चीज है कि आप अपने एम्प्लॉयज को अपनी फैमिली की तरह समझे, अपनी टीम की तरह समझे, अपना पार्टनर समझे, तभी वो सक्सेस आप ले पाएंगे। दूसरी एक इंपॉर्टेंट स्किल जो एक अच्छे एंटरप्रेन्योर में होनी चाहिए वो ये है कि आपको प्लानिंग करनी पड़ती है। और प्लानिंग का मतलब सिर्फ थियोरेटिकल मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि भैया मैनेजमेंट के स्टेप्स है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, POSDC, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्लानिंग इन एक्चुअल की बात कर रहा हूँ, जहां पे आप आज कोई प्लान करते हैं और वो 5 साल 7 साल 10 साल बाद काम में आता है। पहला एग्जाम्पल मैं खुद का लेता हूँ और उसके बाद फिर मैं और इंडस्ट्री रेलिवेंट एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। हम लोगों ने 2012 में अपना ऑनलाइन डिविजन सेटअप करा कोचिंग का। तब इंडिया में CA वगैरह को छोड़ के और बाकी कोर्सेज में किसी में ऑनलाइन कोचिंग का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। CA में भी सैटेलाइट कोचिंग चलता था जिसका सेटअप बहुत कॉस्टली होता था। हम लोगों ने उस टाइम पे स्काइप जो सॉफ्टवेयर होता था, स्काइप को यूज करके हम लोगों ने स्टार्ट करा था ऑनलाइन कोचिंग का कॉन्सेप्ट। तो इंडस्ट्री में पहला था हम लोगों का, डेफिनेटली उतना हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बहुत ज्यादा बच्चे एनरोल हो जाएंगे, बट रिजल्ट वॉज गुड। तो 2012 में हम लोगों ने करा, 13, 14, 15, 16, 17, टेक्नोलॉजी बदलती गई, हम एडवांस होते गए, चलते गए। असली उसका यूज अब समझ में आया जब लॉकडाउन हुआ। और ये था कि कभी ना कभी एक ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पे ऑनलाइन एजुकेशन विल बी मोर प्रेफर्ड देन द फेस टू फेस एजुकेशन। क्योंकि 2012 में सेटअप किया, ऑलमोस्ट 8 साल 9 साल हम लोगों को सेटअप में बीत चुके थे, मेरी बैकएंड टीम पूरी स्ट्रांग हो चुकी थी, टेक्निकली हम लोग बहुत स्ट्रांग थे, टीचर्स ऑलरेडी ट्रेन्ड थे हाउ टू यूज द इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टूडेंट्स को हम लोग ऑलरेडी ऑनलाइन बैकअप्स दे रहे थे क्लासेस का, जो क्लास फेस टू फेस लगा रहे थे उनका बैकअप भी मिल रहा था, तो स्टूडेंट भी टेक्नोलॉजी से वर्स थे। सो 23 मार्च को जनता कर्फ्यू, 24 मार्च को लॉकडाउन स्टार्ट, एक वीक का हम लोगों ने ऑफ लिया जस्ट टू सी कि हाउ द सिचुएशन इज गोइंग, एंड फ्रॉम 2nd of April वी वर लाइव। हमारे हर टीचर के घर पे हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन था, हर टीचर के पास इंफ्रास्ट्रक्चर था, हर बच्चे के पास इंफ्रास्ट्रक्चर था, क्लासेस वर रिज्यूमिंग एज इफ नथिंग हैज इवन हैपेंड एट ऑल, सब कुछ वैसा का वैसा जैसा होना चाहिए। वो सब कुछ इसलिए हो पाया क्योंकि इस चीज की प्लानिंग बहुत पहले हो चुकी थी कि कभी भी अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि हमें ऑनलाइन बैच चलाना पड़ेगा तो हम कंफर्टेबल है, और हम उसको ऑलरेडी रन कर रहे थे, तो इतनी टेस्टिंग हो चुकी थी, इतनी काम उस पर हो चुका था कि कोई मार्जिन ऑफ एरर बचा ही नहीं था, वो सब पहले पास्ट में होके सुधर के सब कुछ ठीक हो चुका था। तो ये प्लानिंग का जो फेज होता है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक आइडिया आना बहुत नॉर्मल सी चीज है, लेकिन जब उसकी एग्जीक्यूशन की बात आती है ना, तो हम लोग बिजनेसमैन के साथ एक ना प्रॉब्लम होती है कि हमें ना इंस्टेंट चीजें चाहिए होती है, इंस्टेंट खाना चाहिए, इंस्टेंट वो चाहिए, इंस्टेंट प्रॉफिट चाहिए। तो जब इंस्टेंट की चीज आती है ना, तो प्लानिंग के साथ वो हैंड बाय हैंड नहीं चलता। बिजनेस के केस में बीइंग एन एंटरप्रेन्योर आपको लॉन्ग टर्म चीजें प्लान करनी पड़ती है। जो बीज आप आज बो रहे हो, आप आज उसकी फसल नहीं काट सकते हो, आप आज बीज बोओगे वो धीरे धीरे बड़ा होगा और फिर उसका टाइम आएगा फसल काटने का। और ऐसा नहीं है कि ये एस्ट्रल एजुकेशन ने करा, आई हैव रेलेवेंट एग्जांपल्स एज वेल। गैस पाइपलाइन की अगर हम बात करते हैं, जो डोमेस्टिक गैस पाइपलाइन LPG की पाइपलाइंस हैं, गुड़गांव में भी है, फरीदाबाद में भी है, काफी गाजियाबाद दिल्ली कई जगह आ चुकी हैं अब तो ये पाइपलाइंस जो हमारे घरों तक LPG पहुंचा रही है ताकि ये सिलेंडर भरवाने ना जाना पड़े या उसकी वेट ना करनी पड़े कि कोई आएगा सिलेंडर भरेगा, उसकी जगह उन्होंने पाइपलाइन सिस्टम बना दिया। जैसे आप बिजली यूज करते हो कॉन्टिन्यूसली अवेलेबल होती है, वैसे ही आपका गैस कॉन्टिन्यूसली अवेलेबल है। तो आपको क्या लगता है ये 2 दिन में 4 दिन में 10 दिन में 2 महीने में हो गया? नहीं, सालों पहले इसकी प्लानिंग हुई, उसमें से एरिया आइडेंटिफाई हुए, उसकी पाइपलाइन बिछनी शुरू हुई, पूरा हुआ, गवर्नमेंट से सारे नेसेसरी अप्रूवल्स लिए गए, तब जाके ये प्लेयर्स उतरे, चाहे वो अदानी है, चाहे HCG है, हरियाणा गैस वाले जो है, या और कंपनीज जितनी भी है, वो एक दिन में नहीं उतर आए इसमें। उन्होंने सोचा, प्लान किया, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन बनाया, उसका एग्जीक्यूशन किया, उसमें इन्वेस्टमेंट किया, और फिर वेट करा राइट टाइम का जब वो सर्विस दे पाए। तो एक दिन में नहीं हो जाता कुछ भी। या अगर हम बात करें ये जियो सिम कार्ड्स जो आए थे, पूरा मार्केट चेंज कर दिया इन लोगों ने लॉस लीडर प्राइसिंग लेके। जियो तो मतलब आज के टाइम पे हर मैनेजमेंट गुरु की फेवरेट केस स्टडी हो गया है। तो लॉस लीडर प्राइसिंग इन्होंने अपनाया। लॉस लीडर प्राइसिंग क्या होता है कि जी आपने खुद की पॉकेट से कुछ लॉसेस लिए और आप मार्केट के लीडर बन रहे हैं, ठीक है। इनिशियली आपने लॉस लिया पर वो कैलकुलेटेड लॉस था,
तो इन्होंने लॉस लीडर प्राइसिंग अपनाया। लेकिन आपको क्या लगता है जब इन्होंने लॉन्च कर गया उससे दो चार पांच महीने प्लानिंग हुई, सालों पहले प्लानिंग शुरू हो जाती है कि आप क्या प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हो, सालों तक इन्वेस्टमेंट जाता रहता है, लॉन्च करने के बाद भी कई बार आपका रेवेन्यू नहीं आ रहा होता है, स्टिल यू हैव टू बी कंसिस्टेंट ऑन योर आइडिया, यू हैव टू हैव अ बिलीफ इन योर सेल्फ कि मैं करेगा, मैं ये कर पाएगा, मेरे से ये होगा। अगर आपको अपने खुद के आइडिया पे बिलीफ नहीं है, इट्स सिमिलर टू लाइक कि आपको अपने बच्चे पे विश्वास नहीं है, अगर माँ बाप को अपने बच्चे पे विश्वास नहीं है तो फिर कुछ हो ही नहीं सकता। तो अगर वो आपका ब्रेन चाइल्ड है, अगर वो आपका आइडिया है, तो आपको उस पर कंसिस्टेंटली बिलीफ रखना पड़ेगा डिस्पाइट की प्रॉफिट है या लॉस है। ऐसा नहीं है कि हमारे बिजनेसेस में हमने कभी अप्स एंड डाउन्स नहीं देखे या कभी लॉस नहीं उठाया। कोई भी कितना भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन होगा उसका आइडिया कभी ना कभी कोई ना कोई आइडिया फेल हुआ होगा। जो एक ना वो बड़ा पुराना शेर है, वो गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफ्र क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलेंगे। तो होता क्या है कि मतलब ऐसा नहीं है कि हम बस सोच रहे हैं और हमें कोई इंस्टेंट आइडिया आया, आज हमने आइडिया इंप्लीमेंट करा और कल प्रॉफिट आ गया। यू हैव टू बी परसिस्टेंट विद इट, आपको कॉन्टिन्यूसली उसमें अपना टाइम एनर्जी एफर्ट्स इन्वेस्ट करते रहना पड़ेगा। जब आप वो करेंगे तभी आपको धीरे 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 रिटर्न आएंगे, ठीक है। तो वो कंसिस्टेंसी होना बहुत जरूरी है। एक और एग्जांपल है, हमारे घरों में ना पहले केबल कनेक्शंस होते थे, कुछ जगह आज भी चल रहे हैं। तो केबल वाला भैया होता था तो वो एक केबल का कनेक्शन देता था, मंथली आके पैसे ले जाता था, उसकी मर्जी के चैनल देखो और केबल खराब आ रहा है, साफ आ रहा है, कंप्लेंट करो। दो दो तीन तीन दिन तक भाई साहब आते थे, कई बार हम लोग भी दिखाते थे, बीच में से टाका मार लेते थे, मतलब कि एक टीवी की जगह दो टीवी चला रहे उसी एक ही कनेक्शन से तार जोड़ के। तो सबने कुछ ना कुछ ऐसा किया होगा। तो वो जमाना जब था, उसके बाद ये आज का जो हम जमाना देखते हैं, जब एयरटेल, डिश टीवी, टाटा स्काई, इन सबके सेट टॉप बॉक्सेस लग गए हैं, एचडी क्वालिटी आया, तो इन्होंने पहले आपको एक नॉर्मल बॉक्स दिया कि अपनी मर्जी के चैनल देखो क्लियर क्वालिटी पे, फिर एचडी आ गया, फिर 4K आ गए, फिर उसके बाद अभी एंड्रॉयड बॉक्सेस आ गए हैं ताकि एप्स भी चला सको, नेटफ्लिक्स वगैरह। तो ये जो अपग्रेडेशन की, आपको क्या लगता है इस इंफ्रास्ट्रक्चर में उन्होंने इतना इन्वेस्ट करा और उसके बदले वो आपसे मांगते हैं 500 रुपए 600 रुपए महीना? तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने इन्वेस्ट करा और 2 महीने 4 महीने 6 महीने में पूरा पैसा वापस आ गया, कभी नहीं आता। लेकिन उनको अपने प्रोडक्ट पे, अपने आइडिया पे पूरा बिलीफ है, इसीलिए वो कंसिस्टेंटली उस पर लगे हुए हैं। तो जब भी आप एज ए बिजनेसमैन आइडिया जनरेशन करें, उस आइडिया की फिजिबिलिटी स्टडी करेंगे कि भाई ये आइडिया कितना कामयाब हो सकता है या नहीं हो सकता, तो उसके साथ ना उस पर विश्वास होना बहुत जरूरी है, खुद पे विश्वास होना जरूरी है। एक ना बड़ा प्यारा एग्जाम्पल है, आज भी मतलब जब भी वो एग्जाम्पल सोचते हैं ना गूज़बम्प्स हो जाते हैं। तो जी एक लड़का था 15.5-16 साल का, नाम उसका सबको पता है, सचिन तेंदुलकर। पाकिस्तान के खिलाफ जी उसने डेब्यू करा, पहला मैच था तो उसने 0 रन पे आउट हो गया, दूसरे मैच में 12 रन बनाए, तीसरे मैच में उसको ड्रॉप कर दिया गया टीम से कि भाई किस लड़के को आप लेके आ गए हो, कुछ कर तो रहा नहीं है। चौथा मैच था उसका सियालकोट में, वो मैच था, मेरे ख्याल से 4 विकेट ऑलरेडी गिर चुके थे, 38 रन के आसपास कुछ था। और उस टाइम पे वकार यूनिस, मतलब आप सोचो एक ऐसा 6 फुटा आदमी जो फास्ट बॉलर है, पिच के ऊपर इतनी इतनी ग्रास है, वो बॉलिंग करा रहा है, ऐसे ऐसे बॉल जब आता था ना तो ऐसे लगता था कि पता नहीं कहीं ऊपर बालकनी से बॉल फेंका गया, इतनी स्पीड से वो बॉल आता था। और वो 15.5 साल का लड़का उन बॉल्स को फेस कर रहा है। तो जी पहली बॉल आई, निकल गई, दूसरी बॉल आई, और जब सचिन उसको खेलने लगे थे तो वो बॉल आके सचिन के लगी नाक के ऊपर, नो स्टार्टेड ब्लीडिंग। ऑन द अदर एंड शेरी वॉज देयर, शेरी मतलब नवजोत सिंह सिद्धू वॉज देयर। तो नवजोत सिंह सिद्धू का एक ये इंटरव्यू है, एक लाइव स्पीच है जिसमें उन्होंने बताया है कि मुझे लगा ये लड़का मर गया, अभी मतलब ये कैसे होगा। नवजोत सिंह सिद्धू इन हिज वर्ड सेड कि मेरी खुद की नई नई शादी हुई थी, मैं तो खुद घर भागने की सोच रहा था कि आउट हूं, जान छुटे और मैं घर जाऊं। तो सचिन के नाक पे चोट लगी, फवारा बहने लगा नाक से और ब्लीडिंग बहुत ज्यादा, सचिन दम करके गिर गए पिच के ऊपर। और उसके बाद डॉक्टर अली जो उस टाइम पे फिजियोथेरेपिस्ट होते थे वो आए, और डॉक्टर अली के बारे में सिद्धू ने ये बताया है कि उनके पास 2 ही इलाज होते थे, मुंह में डालो सेरिडॉन और सिर पे रखो बर्फ का पैकेट, और कोई इलाज उस टाइम पे इतनी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, कुछ नहीं था, तो ये 2 इलाज वो करते थे। सोचो एक 15.5 साल का लड़का जिसके पिछले 3 टेस्ट मैच इतने बकवास गए हैं कि उसने मतलब बहुत बहुत बुरा खेला,
12 रन 8 रन ऐसे रन बनाए हैं, 0 रन ड्रॉप आउट हो चुका है, उसके बाद वापस आया और चोट लग गई। जब डॉक्टर सिद्धू अपने नॉन स्ट्राइकिंग एंड की तरफ जा रहे थे तो पीछे से उनको कुछ आवाज सुनाई दी, उन्होंने पलट के देखा तो सचिन डॉक्टर अली को साइड में करके ये कह रहे हैं, आवाज आई कि मैं खेलेगा। वो जो मैं खेलेगा था ना, वो सचिन का खुद के ऊपर वो ट्रस्ट था कि ये ना देश की बात है, ये मेरे अपने बिलीफ की बात है और मुझे ये करना है, एंड ही हैड अ बिलीफ इन हिमसेल्फ कि वो कर सकता है। अगर सचिन ने तब शायद वो दम ना दिखाया होता तो सचिन आज सचिन नहीं होता। तो उस मैच में सचिन ने 59 स्कोर किया और लेजेंडरी मैच, मतलब आज तक भी जब लोग उस मैच की बात करते हैं, उसके प्रॉपर विजुअल्स तो उतने नहीं है पर कुछ क्लिपिंग्स अवेलेबल हैं, कुछ फोटोज अवेलेबल हैं, तो कहा जाता है कि मतलब सचिन जो सचिन है उसकी नींव वो उस दिन रखी गई थी कि इंडिया के लिए जो उनका डेडिकेशन था, सेम तरह का डेडिकेशन एक बिजनेसमैन को चाहिए होता है अपने बिजनेस में। अगर आप एज ए बिजनेसमैन वो डेडिकेशन नहीं ला पा रहे हो ना कि जब जब आपको चोट लगे, जब जब आपका बिजनेस डाउन जाए, आप बाउंस बैक कर पाओ, तो अगर वो बाउंस बैक नहीं कर पा रहे अपने बिजनेस में तो यू आर नॉट एन एंटरप्रेन्योर। एक एंटरप्रेन्योर की पहली स्किल यही है कि जब जब वो जितना, इट्स लाइक बीइंग अ लायन, आई एम अ लियो बाय सनसाइन, तो होता क्या है कि लियोज के बारे में एक बात कही जाती है कि जब उनको झपट्टा मारना होता है ना, वो पहले एक कदम पीछे जाता है और फिर बाउंस करके आगे आता है। दैट इज हाउ अ बिजनेसमैन वर्क। जब जब उसको कुछ बड़ा करना होता है ना, तो वो पूरे प्लानिंग लगाता है, थोड़े दिन शांत होता है, अपने इन्वेस्टमेंट फेज में आता है, चीजें प्लान करता है, उनको एग्जीक्यूट करता है, एंड देन जंप्स ऑन द टारगेट, तो तब वो सक्सेस जाके अचीव होता है। ऐसा नहीं है कि जी आज हमने आइडिया देखा, कल हमने इम्प्लीमेंट करा, 15 दिन बाद ओहो 2 लाख आगे, 4 लाख आगे, 10 लाख आगे, ऐसा यूजुअली नहीं होता है अंटिल अनलेस यू आर इन अ बिजनेस जो प्रोबेबली लक बेस्ड हो, तो ऐसा यूजुअली नहीं होता है। तो ये ना एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टोरी थी जो रिलेट करती है, हमें माननी है परसिस्टेंट रहना, हमेशा ना एक बिलीफ रखना है। जब कोई कहे ना कि इम्पॉसिबल है तो इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। ये ना हम बड़ा मैनेजमेंट में सुनते और बताते हैं इम्पॉसिबल ऑल्सो सेज आई एम पॉसिबल, बट ना ऐसा एक्चुअली में है। जब जब कोई कहेगा नहीं है, आई कैन अश्योर यू वो चीज पॉसिबल है, किसी ना किसी शिद्दत से वो चीज ट्राई करी है तो वो चीज हुई है। वो ओम शांति ओम में एक डायलॉग था ना कि तुम किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात पूरी शिद्दत से उससे मिलाने में तुम्हें लग जाती है, ऐसा कुछ था ना। तो सेम वही चीज है कि जब आप एक्चुअली में किसी चीज को चाहने लगते हो, जब आप किसी चीज के लिए काम करते हो ना, तो एवरीथिंग फॉल्स इन प्लेस। चाहे आप उसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कह लीजिए सीक्रेट मूवी या सीक्रेट बुक से, चाहे आप उसे अपनी विल पावर कह लीजिए, चाहे आप उसे सेल्फ बिलीफ कह लीजिए, पर ये होता है। एक फेमस पर्सनैलिटी थे हेनरी एंड्रयूज। हेनरी एंड्रयूज जो थे, आई थिंक किसी का माइक अनम्यूट है, वो बीच में थोड़ी सी आवाज आ रही है। सो हेनरी एंड्रयूज जो थे, हेनरी एंड्रयूज वॉज अ ब्रिटिश ओलंपिक कोच, ठीक है। 1903 में हेनरी एंड्रयूज ने एक स्टेटमेंट दिया था उस टाइम के हिसाब से कि जो 1 माइल की रेस होती है, 1 मील की जो रेस होती है, वो 4 मिनट में एक ह्यूमन कंप्लीट कर पा रहा है, इससे कम में करना इम्पॉसिबल है किसी भी ह्यूमन के लिए। लिसन टू इट वेरी केयरफुली कि 4 मिनट में 1 मील की रेस पूरी होती है, इससे कम में करना इम्पॉसिबल है। और जब जब कोई इतनी अच्छे से कोई चीज कहता है ना, बड़ी कन्विक्शन से कोई चीज कहता है, तो अक्सर लोग उसको सच मान के ट्राई करना छोड़ देते हैं या उनका कॉन्फिडेंस शैटर हो जाता है। आज कोई आके मार्केट में आपको, कोई बड़ा बिजनेसमैन आपका आइडिया सुने और कहे तुम नहीं बन सकते बिजनेसमैन, तुम्हारे आइडिया में 20 फ्लॉज हैं, और अगर तुमने उसको अपने दिमाग में जगह दे दी, तुमने उसको अपने दिमाग में बिठा लिया, तो मेरी मान के चलो कभी भी नहीं बन पाओगे। नेगेटिव फीडबैक मल्टीप्लायर इफेक्ट से बढ़ते हैं, तो अगर आपने उसको अपने दिमाग में जगह बना ली तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो 1903 यानी 1903 में हेनरी एंड्रयूज ने ये कहा कि 4 मिनट से कम में 1 माइल की रेस करना इम्पॉसिबल है। 42 ईयर्स बाद एक बंदा रॉजर बेंस्टर 1952 में उसने 3 मिनट 59 सेकंड और 4 मिली सेकंड यानी 4 मिनट से जस्ट कम में
करके दिखा दिया। तो 42 साल लगे उस बिलीफ को तोड़ने में नेगेटिव वाले को कि ये नहीं हो सकता। लेकिन 1952 में जब इन्होंने करा, उसके 12 साल बाद ही, पहले वाले में लगे 42 साल, उसके 12 साल बाद ही जिम रयान नाम के एक हाई स्कूल के बच्चे ने सेम रिकॉर्ड अचीव करके दिखा दिया। कब? June 5, 1964 में। यानी कि जब एक नेगेटिव बिलीफ सिस्टम आपके अराउंड बन जाता है ना कि तुमसे ना हो पाई, जब वो तुमसे ना हो पाई यहां बन जाता है, तो बहुत डिफिकल्ट होता है उस विशियस सर्कल को ब्रेक करके बाहर निकल पाना। अगर एज ए एंटरप्रेन्योर आपके अगल बगल में वो लोग हैं जो आपकी टांग नीचे खींच रहे हैं, तो प्रॉब्लम बड़ी है। तो उस केस में आपको अपनी डिटर्मिनेशन को और स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। ठीक है, एक व्यक्ति हुए थे लॉर्ड केल्विन, उन्होंने ये कहा था कि पक्षियों के अलावा ना किसी भी चीज का उड़ना असंभव है, पक्षियों के अलावा किसी भी चीज का उड़ना असंभव है। 16 साल तक ट्राई करने के बाद फाइनली राइट ब्रदर्स ने एक प्लेन का वर्किंग मॉडल जब बना लिया, तो उनकी स्टेटमेंट ये थी कि हमने ह्यूमंस को बर्ड्स में कन्वर्ट कर दिया है, और वो भी साइकिल के स्पेयर पार्ट्स यूज करके, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ह्यूमंस कभी जा नहीं सकते, सिर्फ बर्ड्स जा सकते हैं, क्योंकि ग्रेविटी है, क्योंकि एयर के रूल है, तो वो नहीं जा सकते। तो ट्राई जब कोई करता रहेगा ना परसिस्टेंटली सेल्फ बिलीफ सिस्टम के साथ, तो हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। एक ना बहुत प्यारी स्टोरी है, मैं आपको बताता हूँ। एक बार ना एक बच्चा अपने टीचर का लेटर लेके घर पे गया अपनी माँ के पास, छोटा सा बच्चा, और उसने अपनी माँ को दिखाया कि देखो टीचर ने ना तुम्हारे लिए लेटर दिया है। तो माँ को कहा कि आप पढ़ो और मुझे भी बताओ कि इसमें क्या लिखा है। तो माँ ने वो लेटर पढ़ा और माँ की आंखों से आंसू निकल गए। तो बच्चे ने कहा मम्मी बताओ ना क्या लिखा है, आप बता क्यों नहीं रहे हो। तो जब बच्चे ने 2-3 बार पूछा, तो माँ ने वो लेटर पढ़ा और उसमें ये लिखा था टीचर ने कि आपका जो बेटा है ना वो बहुत ज्यादा समझदार है, वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, उसका IQ बहुत ज्यादा है, हमारे टीचर्स का भी इतना IQ नहीं है, उसकी स्किल्स बहुत फास्ट है, और हम उसको एज ए टीचर पढ़ा नहीं पाएंगे, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको स्कूल से निकाल लो और आप इसको खुद से घर पे पढ़ाओ, क्योंकि हम इसकी स्किल्स मैच नहीं कर पा रहे हैं। तो माँ ने उसको स्कूल से निकाल लिया, कई साल उसको घर से पढ़ाया, फिर माँ गुजर गई। उसके बाद उसने अपना घर शिफ्ट करा जब, तो उसको वो एक ड्रॉर में मिट्टी के साथ वो लेटर मिला। उसने लेटर खोला, क्योंकि अब बच्चा बड़ा हो चुका था। उसने वो लेटर जब खोला और उसको पढ़ा, तो उस लेटर के अंदर जो लिखा था उससे उसकी आंखों में आंसू आ गए। उस लेटर में ये लिखा था कि तुम्हारा जो बच्चा है वो मंदबुद्धि है, उसके बस की ये पढ़ाई नहीं है, अगर वो हमारे स्कूल में आएगा तो उसकी वजह से बाकी बच्चे भी खराब हो जाएंगे। और वो बच्चा जो था उसके बारे में हम सब जानते हैं, वो बच्चा था अल्बर्ट आइंस्टाइन। ये होता है आपका बिलीफ सिस्टम। जब कोई आपको बताता है कि आपके अंदर दम है और आप उस चीज को सच मान लेते हो, तो आप वो पूरा कर लेते हो। और जब कोई आपको बताता है कि आप में नहीं है और आप उस चीज को सच मान लेते हो, तो वही होने लग जाता है। ये सब यहां पे है, ये सब यहां आधा किलो के इस दिमाग में है, जहां पे आपका पूरा बिलीफ सिस्टम चलता है। ये जो पूरा हार्डवेयर आपको मिला है, इस हार्डवेयर को चलाने का जो असली सॉफ्टवेयर है, वो यहाँ पे फीड है। अगर वो सॉफ्टवेयर के अंदर बग आ गया, उस सॉफ्टवेयर के अंदर कोई वायरस आ गया, तो मान के चलो कि पूरा सिस्टम करप्ट है, किसी काम का नहीं है। हम लोगों ने सबने वो तारे जमीन पर देखी है, तारे जमीन पर का तो सबको पता है, वो डिसलेक्सिक बच्चा जिसके लिए सब टीचर कहते थे नालायक है, बुद्धू है, मूर्ख शिरोमणि है, कैसे उसको एक अच्छा टीचर मिलता है, उसको प्यार से पढ़ाता है, उसके तरीके से पढ़ाता है, उसका बिलीफ सिस्टम वापस एक्टिवेट करता है, बच्चे को अपने ऊपर विश्वास होता है, अपनी स्किल्स पे विश्वास होता है, और कैसे वो बच्चा टर्नड आउट टू बी इंटेलिजेंट स्टूडेंट रादर देन दैट डम स्टूडेंट, वो कैसे हुआ? सिर्फ बिलीफ सिस्टम से हुआ। एक लड़की थी जो कि हैंडीकैप थी, दिव्यांग थी, और उसको उसकी डॉक्टर ने कहा था कि तुझे पोलियो है, तू चल नहीं सकती। और बाद उसकी माँ ने उसे कहा कि बेटा विश्वास रख, तू चल सकती है। उसने कहा कि मैंने डॉक्टर की नहीं मानी, मैंने अपनी माँ की मानी, और उसने इतनी प्रैक्टिस करी, और बाद में उस लड़की ने 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते। ये आपका बिलीफ सिस्टम होता है, जो आपको सारे ऑड्स के अगेंस्ट लेकर के जाता है। तूफानों में कश्ती निकालना आसान है, बशर्ते कि चप्पू चलाते रहना पड़ेगा। तो आपको ना वो कॉन्टिन्यूसली अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा। कोई नहीं आएगा मेरे दोस्त तुम्हें मोटिवेट करने के लिए कि शाबाश तुम कर सकते हो। कोई नहीं करने आएगा। जब आप बिजनेसमैन होगे, हर आदमी आपकी टांग खींचने में लगा होगा, हर कंपिटिटर आपको नीचा दिखाने में लगा होगा, हर मार्केट का प्लेयर आपकी कमी ढूंढने में लगा होगा कि एक गलती तुम करो और उसको हाईलाइट कर दिया जाए। और वही एक गलती नहीं करनी है,
हमेशा अपने ऊपर वो ट्रस्ट रखना है कि आप चाहो तो आप कर सकते हो, आप चाहो तो आप क्या कर सकते हो। जब तक हम ये मानेंगे कि हम नहीं कर सकते तब तक हम नहीं कर सकते, और जब हम ये मानेंगे कि हम कर सकते हैं तो हम कर सकते हैं। तो ये जो सारा गेम है वो सारा गेम आपके बिलीफ सिस्टम का है। एक ना बड़ी प्यारा कंपेयर, आई एम सॉरी मैं थोड़ा सा आध्यात्मिक साइड पे ज्यादा एग्जांपल्स देता हूँ, बट आई थिंक हम लोग कोरिलेट कर पाएंगे क्योंकि हम बचपन से वो कहानियां सुनते आ रहे हैं। तो एक कहा जाता है कि रामायण में एक आप लोगों ने we'll have the question answers. We will clear all your doubts after you know the session is over. Rakesh ji, you have sabke doubts wale clear karenge, har ek question ka answer denge. But in between, agar beech mein raise hand kar rahe hain, to wo thoda interruption ho jati hai. Abhishek Rajput, do you want to ask something? Bhatia sir. Haan ji. If anybody have any question, they can put their question in the chat box, and in the end of session, we'll discuss with our guests. So, तो मेरा मेरा ये मानना है, और मैंने कहीं सुना था कि जो आपका डर होता है ना, जो आपकी अराउंड नेगेटिविटी होती है, वो रामायण में एक कैरेक्टर था बाली। बाली क्या थे? बाली सुग्रीव के भाई थे, और उनको एक वरदान प्राप्त था कि जब भी कोई तुम्हारे पास लड़ने के मोटिव से आएगा, तुमसे युद्ध करने आएगा, तो उसकी ताकत आधी हो जाएगी और उसकी तुम्हारी डबल हो जाएगी, तो उसकी जो ताकत है वो तुम्हारे पास आ जाएगी। सेम इज विद द नेगेटिविटी। जब जब आपके माइंड में कोई नेगेटिव थॉट आएगा, आपका खुद का बिलीफ और कॉन्फिडेंस डाउन चला जाएगा, और आप अनजाने में वो गलती करोगे कि गलती होने के चांसेस डबल हो जाएंगे। तो जहां पे आपने अपने ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगने दिया, वहां से आपका बंटाधार होना शुरू हो जाएगा। तो एज ए एंटरप्रेन्योर, अगर आप एक आइडिया को प्रॉपर इवेल्युएशन स्ट्रक्चर से निकाल चुके हो, अगर आप उसकी फिजिबिलिटी स्टडी कर चुके हो, अगर आपने उसका पायलट टेस्टिंग कहीं करके देख लिया और आपको पता है कि यस आज नहीं तो कल मेरे प्रोडक्ट में दम है, मेरे सर्विस में दम है, या मेरा एक यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन है और ये कामयाब होने वाला है, तो माय डियर फ्रेंड, फिर चाहे एक या सौ कोई भी क्वेश्चन उठे, यू शुड बी रेडी टू फेस देम डिस्पाइट टेकिंग इट ऑन योर माइंड कि भैया मैंने सोचा और फिर कॉन्फिडेंस 50% हो गया। ये चीज हमेशा याद रखना कि जितने भी ये जो क्वेश्चन मार्क्स है ना, ये आप बाली की तरह से है, आपका 50% लेस होता जाएगा। तो अब आपके ऊपर है कि आप करेंगे कि नहीं। एक साइंटिस्ट थे डॉक्टर ली द फॉरेस्ट, इन्होंने ये कहा था कि जो ह्यूमंस हैं इनके लिए इम्पॉसिबल है अर्थ से बाहर निकल पाना, दे विल ऑलवेज बी कन्फाइंड इन द लिमिट्स ऑफ अर्थ द ग्लोब। तो जी इसको चैलेंज लिया गया 1955 में, इन्होंने कहा था, कई साल तक कोई कुछ नहीं कर पाया चैलेंज, लेकिन लोगों ने लिया, और 1969 20th ऑफ जुलाई वाज द डे जब एक सरफिरा आदमी चांद पे पहुंच चुका था जिसका नाम था नील आर्मस्ट्रांग। जब जब ह्यूमन ने अपने आप को चैलेंज किया है, जब जब एक बिजनेसमैन ने अपने आप को चैलेंज किया है, जब जब एक एंटरप्रेन्योर ने अपने आप को चैलेंज किया है, तो उसने वो अचीव किया है जो शायद उससे पहले कोई कभी अचीव नहीं कर पाया। इट्स ओनली यू शुड हैव अ बिलीव इन योरसेल्फ। एक ना क्रिकेट की वापस एग्जांपल लेते हैं, आई एम श्योर काफी सारे लोग ऐसे हैं जो क्रिकेट खेलते या देखते एटलीस्ट हैं, और आईपीएल आने के बाद तो क्रेज और ज्यादा बढ़ चुका है क्रिकेट का पिछले कुछ सालों में। तो क्रिकेट जब होता था तो उसमें वनडे इंटरनेशनल जो मैचेस होते थे, तो उनके अंदर ना सेंचुरीज तो बहुत लगती थी, लेकिन ऐसा हो गया था कि एवरीबडी स्टार्टेड सेइंग कि कोई डबल सेंचुरी नहीं मार सकता। तो कैलकुलेशन के हिसाब से 2963 मैचेस तक कोई डबल सेंचुरी नहीं लगी थी। उसके बाद 24 फरवरी को एक लड़का आया, उसने एक डबल सेंचुरी लगाई, नाम था, पहली डबल सेंचुरी वाला नाम था सचिन तेंदुलकर। उन्होंने जब डबल सेंचुरी लगाई, उसके बाद तो फिर ऐसी झड़ी लगी कि 16 महीने बाद ही वीरेंद्र सहवाग ने डबल सेंचुरी लगा दी, और उसके बाद अब तो इतने लोग लगा चुके हैं, इनफैक्ट रोहित शर्मा जो इंडिया के हैं वो तो ट्रिपल सेंचुरी भी लगा चुके हैं।
राइट, ट्रिपल सेंचुरी लगाई है कि तीन बार डबल सेंचुरी लगा चुके हैं। तो होता क्या है कि एक बार वो मिथ तोड़ने की जरूरत है, एक बार ना वो जो आपके चारों तरफ एक चक्र बन गया है ना कि ये नहीं हो सकता, वो तोड़ने की जरूरत है। आप किसी भी बड़ी कंपनी के सीईओ की स्टोरी उठा लीजिए, आप आनंद महिंद्रा की उठा लीजिए, आप रतन टाटा की ले लीजिए, आप विजय शेखर शर्मा की ले लीजिए, आप जिसकी मर्जी, आप रितेश अग्रवाल ओयो वाले की ले लीजिए, आप जिसकी मर्जी केस स्टडी उठा लीजिए, सब नॉर्मल लोग थे, सबने कुछ ना कुछ ऐसा करा जो उनको स्पेशल बना गया। वो उनका जो बिलीफ था, वो उनका जो अपने आप पे ट्रस्ट था, वो उनका जो अपने आइडिया पे ट्रस्ट था, वो उनको स्पेशल बनाता है। तो अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं या एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जितना इनोवेशन जरूरी है, जितना एक नया आइडिया जरूरी है, जितना उसका इवेल्युएशन जरूरी है, उन सबसे ज्यादा जरूरी एक और चीज है, वो है हैविंग बिलीव इन योर सेल्फ, हैविंग ट्रस्ट। तो निरहंकारिता का हमें ध्यान रखना है, कॉन्फिडेंस हमें अपना रखना है, आइडिया को इवेल्युएट करना है, बिलीफ सिस्टम पे अपने लगे रहना है, लीडरशिप स्किल्स आपको चाहिए होंगी, टीम में बिलीफ आपको चाहिए होगा, एक अच्छी टीम जरूर चाहिए होगी, पैसा हो या ना हो एक अच्छी टीम होना बहुत जरूरी है। अगर अच्छी टीम है तो आप बुरे से बुरे डाउनफॉल वाले टाइम में से भी वापस निकल के आ जाओगे और वापस सर्वाइव कर जाओगे, एंड यू विल रीच द पैरामाउंट, आप टॉप सक्सेस को रीच कर पाओगे। To end this lecture of mine, क्योंकि अभी वन वे चल रहा है, आई वुड जस्ट वॉन्ट टू एड अ फ्यू पॉइंट्स कि क्या नहीं करना है। क्या करना है तो बहुत बता दिया, तो क्या नहीं करना है उसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पहला कि डू नॉट बिल्ड योर सेल्फ बाय क्रशिंग अदर्स। हम लोग ना बड़ा आसान होता है दूसरे को नीचा दिखा के उसके सिर पे पैर रख के ऊपर चढ़ना, लेकिन ये चीज हमेशा ध्यान रखना, जब जब किसी के ऊपर पैर रख के आप सक्सेस की लैडर लेते हो, ऊपर तो पहुंच जाते हो, पर हमेशा ध्यान रखना वो नीचे की लैडर हटाना मत। मतलब अगर आपकी टीम ने आपको धीरे धीरे ऊपर पहुंचाया है, आप उनकी हेल्प से ऊपर गए हो, तो याद रखना वो टीम साथ रखना जरूरी है, क्योंकि ऊपर जाके अगर सीढ़ी हटा दी तो दिक्कत बहुत होने वाली है। तो हमेशा जब किसी को क्रश करके ऊपर नहीं चलना है। दूसरा, डू नॉट वरी ऑन द थिंग्स विच यू कैन नॉट चेंज। कोविड का लॉकडाउन लगा, एक ऑप्शन ये है कि हम बैठ के दुखी होते रहे, ओहो ये क्या हो गया, हमारी तो किस्मत ही खराब है, फलाना हो गया, मेरा तो पुराना बिजनेस ही खत्म हो गया, एंड सो ऑन, जो आपके कंट्रोल में नहीं है चीजें। द अदर पार्ट कुड बी कि ये चीज मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, बट व्हाट आई कुड कंट्रोल इज हाउ आई हैव टू रन माय शो। तो यू हैव टू वर्क ऑन द ऑल्टरनेटिव ऑप्शन, ऑलवेज हैव अ प्लान बी विद योर सेल्फ, कि अगर मेरा एक आइडिया काम नहीं करा तो मैं क्या करूंगा। मैंने एक प्रोडक्ट लॉन्च करा वो नहीं चला, तो क्या मैं उसके स्पेयर पार्ट्स का वेंडर बन सकता हूं। अगर मैंने एक सर्विस लॉन्च करी और वो नहीं चली, तो क्या कुछ ऐसा यूएसपी कर सकता हूं कि मैं कुछ शेयर मार्केट का कैप्चर करके प्रीमियम प्राइसिंग रख दूं। जरूरी नहीं है ना हर बार पेनिट्रेशन किया जाए, स्कीमिंग भी तो कर सकते हो कि अपनी सर्विस में कुछ एक ऐसा यूएसपी ले आओ कि कुछ सेलेक्टिव लोग ही आपके पास आए पर पैसा भर भर के दे जाए। जरूरी नहीं है ना भीड़ इकट्ठी करनी है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि वरी नहीं करना है उन चीजों पर जो हम बदल नहीं सकते। तीसरा, अगर आप कोई चीज नहीं कर सकते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इम्पॉसिबल है। हम लोग ना अक्सर ये कहते हैं, देख मैंने इतना ट्राई करा ये हुआ नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा नहीं है, मैंने इम्पॉसिबल के आपको इतने सारे एग्जांपल बताए जहां पे लोगों ने कहा कि ये इम्पॉसिबल है, और फिर कुछ साल बाद, कुछ महीने बाद, कुछ डेकेड्स के बाद कोई एक आया जिसने वो पूरा इतिहास बदल दिया और उसने कुछ ऐसा कर दिया जो उससे पहले कभी हुआ नहीं था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आता है राई का पहाड़ बनाना, मेजरिंग द माइनर इश्यूज। ऑफिसेज में ना अक्सर ये होता है कि एक बिजनेसमैन, एक एंटरप्रेन्योर की ना बहुत बड़ी ये समस्या है कि उनको लगता है कि मैंने अपने एम्प्लॉय का ना टाइम खरीद लिया है। अब एम्प्लॉय का टाइम खरीद लिया है से क्या होता है कि काम एम्प्लॉय अपना कर रहा है, लेकिन अगर वो 10 मिनट खाली बैठा दिख गया ना, किसी से हंसी मजाक करता दिख गया, तो हम उसकी ऐसी हालत कर देते हैं, तेरे पास काम नहीं है, खाली घूम रहा है, फलाना कर रहा है, ढिमकाना कर रहा है। तो इससे क्या होता है कि आप ना बेसिकली राई का पहाड़ बना रहे हो, आप जबरदस्ती की एक डिससेटिस्फेक्शन इंजेक्ट कर रहे हो अपनी टीम के अंदर, जो बाद में नॉन प्रोडक्टिविटी में या फिर एम्प्लॉय टर्नओवर में आ जाएगी, जहां पे आपका एम्प्लॉय आपको छोड़ के चला जाएगा। लोग ना कभी भी कंपनियां नहीं छोड़ते, दे ऑलवेज लीव देयर बॉसेस। तो You have to be a good manager, you have to be a good boss, you have to be a good businessman. तो लोगों की कद्र करना जरूरी है। Majoring the minor issues should not be there. उसके बाद अपना एक businessman के साथ ना ये बहुत बहुत common problem है, ठीक है। जब भी आप business में घुसते हैं ना, तो मेरे बड़े भैया अक्सर एक चीज बोलते थे कि life में ना earning is like a highway, जहां पे आप life में चलते जा रहे हो, the moment you
टेक एन एग्जिट फॉर अर्निंग, उसके बाद वापस हाईवे पे चढ़ना मुश्किल हो जाता है. तो जहां पे आप हाईवे से उतर गए तो चढ़ने में बड़ी डिफिकल्टी होती है, बहुत आगे से घूम के फिर वापस आना पड़ता है. मैंने इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से मॉडिफाई करा और मुझे लगता है कि अर्निंग नहीं, लर्निंग इज अ हाईवे. आप पूरी लाइफ लॉन्ग लर्निंग कर सकते हो, लेकिन जहां पे आपने लर्निंग से एग्जिट मार दिया ना, वापिस आना बहुत जरूरी है. ठीक है, तो एज अ बिजनेसमैन क्या होता है कि भैया पैसा कमाना शुरू हुए और उसके बाद ना सेल्फ डेवलपमेंट से हट जाता है ध्यान. सेल्फ डेवलपमेंट से ध्यान हटने से क्या होता है, बुक्स पढ़ना छोड़ दिया, लर्निंग करना छोड़ दिया, नई सीरीज जो अच्छी मोटिवेशनल सीरीज है, कुछ आपके बिजनेस से रिलेटेड सीरीज है, कुछ काम की है, नॉलेज पुल है, वो छोड़ दिया, या पॉडकास्ट सुनने छोड़ दिए, या सर्फिंग में अच्छी वेबसाइट्स अगर आप सर्फ करते हैं वो आपने छोड़ दी, तो आपने सेल्फ डेवलपमेंट छोड़ दिया. द मोमेंट आपने सेल्फ डेवलपमेंट छोड़ दिया तो आप ये मान के चलिए आप उस दिन वहीं के वहीं स्टेग्नेंट हो गए हो, आप वहीं जम गए हो, और जमे हुए पानी में ही काई जमती है, चलते पानी में कभी काई नहीं जमती है. तो पानी चलता रहना चाहिए, लर्निंग चलती रहनी चाहिए लाइफ लॉन्ग. टेकिंग फॉल्स क्रेडिट, कभी भी ना दूसरे के काम का क्रेडिट मत लेना, वो निरहंकारिता से ही रिलेटेड है. कि जब आप दूसरे के काम का क्रेडिट लेना शुरू कर दोगे ना, तो आप अपना काम करना छोड़ दोगे, आप फिर अपना काम नहीं करोगे. आपको हमेशा ये लगेगा इट्स टू इजी ना, लेट देम डू देयर वर्क एंड आई टेक द क्रेडिट. तो वो जब आसान रास्ता मिल जाता है ना, तो आसान रास्ता अक्सर आसान जरूर होता है, पर अच्छा हो ये जरूरी नहीं है. तो ये कुछ पॉइंट्स हैं. इनफैक्ट वन मोर इज फेवरेटिज्म इन द टीम, जहां पे आप अपनी टीम में अपने फेवरेट्स बना लेते हो कि यार ये बंदा सही है और ये बंदा नहीं है. ऐसा नहीं होता है. शतरंज में प्यादे की भी अपनी इंपॉर्टेंस है और घोड़े की भी अपनी इंपॉर्टेंस है, हाथी की अपनी इंपॉर्टेंस है, ऊंट की अपनी इंपॉर्टेंस है, सब किरदारों का अपना अपना महत्व है. आप ऐसा नहीं कर सकते कि भैया ये तो पढ़ा लिखा नहीं है, या ये तो गोरा नहीं है, ये फलाना नहीं है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये अमीर है, ये गरीब है, इस बेस पे आप बायस नहीं हो सकते. या ये मुझे रोज आके सारी खबरें देता है तो ये मेरा खास हो गया, और ये मुझे कुछ नहीं बताता तो ये खराब हो गया. आई स्टिल रिमेंबर, आई वोंट नेम, जब मैं कॉलेज में था मेरे दो टीचर्स थे, एक टीचर ऐसे थे जो अपना 9 to 5 जॉब पूरी करते थे, अपने टास्क कंप्लीट करते थे और 5 o'clock अपना बैग पैक करके निकल जाते थे, और एक टीचर ऐसे थे जो 8-8 बजे तक बैठे रहते थे. तो जो डायरेक्टर साहब थे उनको लगता था अरे ये बड़ा डेडिकेटेड है जो 8 बजे तक बैठा रहता है, पर ऐसा नहीं है. आप एक्स्ट्रा बैठ रहे हो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ज्यादा डेडिकेटेड हो. आप एक्स्ट्रा बैठ रहे हो प्रोबेबली इसका कारण ये भी हो सकता है कि आप एफिशिएंट नहीं हो, आप टाइम से अपना काम कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो और इसीलिए आपको एक्स्ट्रा बैठना पड़ रहा है. तो ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. तो यू शुड नॉट बी बायस्ड फॉर योर टीम. सो ये कुछ मेरी पिछले ऑलमोस्ट 20 साल की लर्निंग्स थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है. एंड आई हैव अनदर गुड न्यूज टू शेयर विद यू गाइज. अभी जब मैं ये सेशन ले रहा था तो मेरे पास नोएडा की एक यूनिवर्सिटी से कंफर्मेशन आया है, दे आर कन्फरिंग मी एंटरप्रेन्योरियल एक्सीलेंस अवार्ड वेरी सून. तो द सेशन हैज बीन लकी फॉर मी. काफी सारे कैंडिडेट्स थे उनके पास इसमें. थैंक यू सर. द सेम यूनिवर्सिटी. So that's all from my side. Now it's your time to shoot the questions on to me and I'll be happy to answer all of them. Guys, जो आपने हाथ रेस कर रहे थे, they are free to ask questions. They can ask as many questions as they want. Priya Vishkarma. किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है, किसी के कोई डाउट्स हैं? अनिकेत, यू कैन अनम्यूट योर माइक एंड नाउ यू कैन आस्क योर क्वेश्चन. So there is no question chat box. When there is no question, it could mean sir, खुद का ही पैर खड़ा करना है तो क्या करें हम? I'm sorry, I missed the words. Business का empire खड़ा करना है? Yes sir, software company का, खुद का एक. May I have your good name sir? Ravi Singh. Ravi. Ravi brother, देखो ऐसा होता है कि
जब मैं छोटा था ना तो मैं पीएचडी करना चाहता था, लेकिन ना मुझे बताया गया कि पीएचडी करने के लिए ना पहले आपको नर्सरी से एडमिशन लेना पड़ेगा, बारहवीं तक करना पड़ेगा, फिर ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, तब जाके कहीं पीएचडी कर पाओगे। तो मैंने कहा अरे डायरेक्टली पीएचडी में एडमिशन करा दो, जो पढ़ाना है पढ़ाते रहो। तो कहते बेटा ऐसा नहीं होता है, सीढ़ी बाई सीढ़ी जाना पड़ता है। सेम इज विद द बिजनेस एम्पायर, नो बिजनेस एम्पायर गेट्स क्रिएटेड एज अ बिजनेस एम्पायर, इट स्टार्ट्स विद अ स्मॉल आइडिया। जिस आइडिया को इम्प्लीमेंट करते हैं उसको सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करते हैं, उसको टाइम के साथ इंप्रूव करते हैं, उसमें ग्रो करते जाते हैं और फिर वो एक एम्पायर बन जाता है। ओयो पहले दिन ओयो एम्पायर नहीं बना था कि इतने सारी प्रॉपर्टीज, इतने सारे होटल्स, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, खुद की प्रॉपर्टीज, ओयो टाउन हाउस, ओयो फैमिली, ओयो कपल फ्रेंडली, ओयो ये ओयो वो, सब कुछ नहीं बना था, धीरे धीरे बना। सिमिलर वे में ओला, ओला तो मैं तब से जानता हूँ, व्हेन आई वाज इन मुंबई हीरानंदानी कॉम्प्लेक्स में दे यूज टू हैव इनोवा कैब्स और उनका कैब्स का बिजनेस था, खुद की गाड़ियां थी और ड्राइवर थे और वो कैब रेंट आउट करते थे, जैसे आपके आसपास कोई लोकल टैक्सी वाला होता है। सो वहां से ओला की ये जो जर्नी है, आप लोग सब जानते हैं ओला के बारे में। तो इट्स नॉट कि कोई भी बिजनेस एम्पायर ऐसे ही बिजनेस एम्पायर बन जाता है। जब हमने स्टार्ट करा था, हम लोगों ने सिर्फ यूजीसी नेट से स्टार्ट करा था। आज की डेट में वी आर इनटू यूजीसी नेट, वी आर इनटू बैंक, पीओ, एसएससी, रेलवे, एनडीए, कैट, देन वी हैव एंटर्ड इनटू आईएलटीएस, जीआरई, जीमैट, टॉफल, सेट, देन वी आर इनटू सीए, सीपीटी, सीएस, मतलब कोर्सेज इतने सारे हैं कि वी आर इनटू स्कूल एजुकेशन, वी आर एंटरिंग इनटू न्यू डोमेन्स आल्सो अभी, ठीक है। तो होता क्या है कि कोई भी एम्पायर जब खड़ा होता है ना, तो वो पहले दिन एम्पायर नहीं होता, वो धीरे 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 वो बिल्डअप होता है। हाँ, यू कैन हैव दैट विजन, यू कैन हैव दैट टारगेट ऑल्सो पेस्टेड इन योर वार्डरोब और इन अलॉन्ग विद योर ड्रेसिंग टेबल की दिस इज द थिंग आई वॉन्ट टू अचीव। ऑलवेज कीप योर टारगेट इन फ्रंट ऑफ योर आईज, रोज वो आपको याद दिलाना चाहिए। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये द सीक्रेट करके एक मूवी है, एक बुक भी है उनकी, आप बुक देखें, बुक पढ़ें या फिर वो मूवी देखें, तो यू विल लर्न लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है कि आप इस जिस चीज को देखते रहते हो, आप इस जिस चीज को अपने आप को रिमाइंड कराते रहते हो कि आपको ये करना है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो आपके साथ होता है। क्यों अक्सर ऐसा होता है कि टोल की जब हम लाइन में लगते हैं, एक लाइन छोड़ के दूसरी में जाते हैं, वही लाइन रुक जाती है, क्योंकि हमारे दिमाग में यही चल रहा होता है कि अरे ये रुकी हुई है, रुकी हुई है, रुकी हुई है, हम जंप मारते हैं दूसरी पे, फिर वो रुक जाती है। तो वो इसीलिए होता है, बिकॉज दैट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हाउ इट वर्क्स। ओके सर, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप चलना होगा ब्रदर, बट दिस इज द राइट एज। लेट मी टेल यू, जब मैं बीबीए करता था उस टाइम मेरा बिजनेस स्टार्ट हो चुका था, मैंने बीबीए के बीसीए स्टूडेंट, यू आर एन बीसीए स्टूडेंट, बीसीए स्टूडेंट, हाँ, तो ग्रेजुएशन में हो ना, ग्रेजुएशन टाइम पे इज द राइट एज एंड राइट टाइम टू स्टार्ट योर थिंग्स। और कोई भी बिजनेस ना, एक ना बड़ी मिसकंसेप्शन है, एक मिथ है कि बिजनेस करने के लिए ना पैसा चाहिए होता है। मैं आपको बताता हूँ, आई हैव बीन एसोसिएटेड विद गवर्नमेंट स्कूल्स अंदर एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, दिल्ली सरकार का जो एक था, तो उसके अंदर मैं सरकारी स्कूल के बच्चों से मिला। वो बच्चे जिनके, एक बच्चे का एग्जाम्पल बताता हूँ, एक बच्चा था जिसके फादर अंडे की, एग की रेडी लगाते थे और मम्मी उसकी घर घर जाके बर्तन साफ करती थी। तो जब मैं उन बच्चों से इंटरेक्ट कर रहा था उनके आइडियाज के बारे में कि उनको कैसे फ्लरिश करे, कैसे बिजनेस बनाए, तो आजकल तो टीवी पे पूरा शो आ रहा है उसका, मैं उससे पहले वाले फेज की बात कर रहा हूँ जहां पे उनके आइडियाज हम लोगों ने डिस्कस करे थे। तो उस फेज के अंदर उस बच्चे ने एक आइडिया बताया, उस आइडिया को हमने थोड़ा सा फ्लरिश किया और उस बच्चे का आज की डेट में एक अच्छा खासा शोरूम टाइप पूरी शॉप है, शोरूम उतना बड़ा नहीं है पर शॉप है अच्छी 10x10 की। उस बच्चे का जूते के बिजनेस का काम है आज की डेट में, और उसने शुरू किया था सिर्फ एक सिंगल पेयर खरीदने से, 150 रुपए का पेयर खरीद के लाया, उसको OLX पे बेच दिया 250 रुपए में। okay. तो इट नेसेसरली नॉट स्टार्ट विद थाउजेंड्स और मिलियंस और लैक्स ऑफ रुपीज, इट जस्ट नीड मे बी 100, 200, 250 और इवन नथिंग समटाइम्स। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, तो सर्विस सेक्टर में तो वैसे ही कुछ नहीं चाहिए होता। अब आप मान लो एक टीचर बन जाते हो या आपके पास कोई स्किल है, तो उसमें तो पैसा चाहिए ही नहीं होता, उसमें तो सिर्फ बेसिक अगर इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाए कहीं से मांग के तांग के तो भी काम हो जाता है। मेरे पास बहुत सारे टीचर्स आते हैं कि सर इवनिंग में एक बैच पढ़ाने के लिए जगह दे दो, तो उनके पास तो बेचारों के पास जगह तक भी नहीं होती है, वो कहते हैं कि आप आज जगह दो, महीने के बाद आपको रेंट देंगे। खुद की कंपनी खोली है ना सर, इसलिए पूछिए क्वेश्चन। ओके, सो यू आर एंटरिंग इनटू व्हिच फील्ड? आईटी फील्ड सर। मैं तो फ्यूचर में जावा से करना चाहता हूं सब कुछ, डेवलपर बनना चाहता हूं। ओके, सो एक सजेशन है बस, आईटी इज अ वेरी फास्ट मूविंग फील्ड, बहुत सारे ऐसे सैस चल रहे हैं मार्केट में जिनकी बहुत ज्यादा डिमांड है,
and my wife happens to be in HR. She is HR head of a renowned multinational company. तो मैं सिर्फ एक सजेशन देना चाहूंगा कि बहुत सारी ऐसी स्किल्स हैं जिनमें रातों रात किस्मत पलट जाती है, तो थोड़ा सा पता लगाना और उनपे भी काम करना तो बहुत फायदा होगा अगर जॉब परस्पेक्टिव है तो जो बाकी साथ के लोग जुड़े हुए हैं जो जॉब परस्पेक्टिव से सोच रहे हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं टाइम टू टाइम जो बूम करते हैं और उनमें बहुत पैसा मिलता है सैलरी पॉइंट ऑफ व्यू से. Yes, Anyone else have a question for me? I'll be happy to answer. मैं ये कह रहा था सर कि जब questions कम होते हैं ना तो दो चीजें हो सकती है, या तो सब क्लियर है और या फिर सब क्लियर है. मैं तो टोपी तभी पहनी हुई है. Any other question? आप लोगों ने attendance compulsory रखा था क्या students का? सर आपको तो पता ही है ना, आपको भी क्लास पे कैसे लेके आते थे. चलो लॉगिन तो है काफी लोग. नहीं पर आजकल जो सेशन रहा है राकेश टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, जिस तरीके से आपने एग्जांपल्स को एंटरप्रेन्योरशिप को महाभारत और रामायण के साथ जैसे आपने इंटरव्यू किया है, कैसे आपने द वे यू हैव कैरीड आउट यू नो द सेशन यू नो विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल्स, आई थिंक मेरे ख्याल से बच्चों को काफी अब कुछ चीजें समझ आ गई होंगी कि एंटरप्रेन्योरशिप बेसिकली है क्या, ये क्रिएटिविटी चीज है क्या. हमारे बीसीए के स्टूडेंट जो है ना उनको मैं क्लास में, जैसे मैं क्लास का कंप्यूटर आईटी सब्जेक्ट तो नहीं पढ़ाता लेकिन उनको मैं यही बोलता हूँ कि यू हैव टू बी वेरी वेरी क्रिएटिव. उनको मैं आई मीन इफ यू रिमेम्बर जैसे मैं आपको क्लास में भी समझाता था कि डोंट आई एम नॉट लुकिंग फॉरवर्ड टू यू नो एनी बुकिश लैंग्वेज एंड यू योरसेल्फ यूज्ड टू कम आउट यू नो विद ब्रिलियंट वे यू नो ऑफ एक्सप्रेसिंग थिंग्स. That is where your creativity starts. आप कितने creative हो, आप उस एक particular thing को कैसे अपने लफ्जों में, कैसे अपने दिमाग से उसको आप बयान कर सकते हो. That is basically a start. फिर उसके बाद तो फिर then that's a process कि आप उसको carry forward कैसे करते. अब BCA में हमारा like I mean कोई there is no end to creativity. कुछ भी आप develop कर सकते. True. Similarly goes to the to all my BBA BBA students also. They are the management gurus. Right, I mean they can go anywhere, they can start anything. Right, so basically aaj ka session mere khayal se jo hai students ke liye kafi beneficial raha hai. The way you have explained, the way you have interviewed, the way you have correlated every aspect with you know solid examples of people who have done, who have proved themselves you know to be successful people. And more than that, jo ek इंसान एक अच्छा इंसान बनने के लिए, एक बिजनेस एम्पायर को खड़ा करने के लिए उसके पीछे क्या क्या चीजें जरूरी होती है, टीम बिल्डिंग होती है, टीम लीडरशिप होती है, क्रेडिट नहीं आपको लेना किसी के कंधे पे, आपको पैर के आगे नहीं बढ़ना तो पूरे कंधों के साथ कंधे मिला के चलना, ये सब चीजें जो है मतलब नॉट ओनली इन बिजनेस बट ऑल्सो यू नो इन इन योर प्रोफेशनल करियर दिस इज वेरी मच एसेंशियल. बिकॉज बिना टीम के तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते. It's all team efforts. आज का भी जो हमारा जो जो हमने session रखा है, believe me, I mean this is all you know the teamwork of all my dedicated faculties who've been working hard. You know they are all connected. Students से उनको बोलना, उनको समझाना, उनको यहाँ पे इस classroom में लेके आना, पूरी coordination, recording, फिर इसकी हमारी जो है आगे इसकी publishing वगैरह होगी. It's all team effort. किसी एक बंदे के उसके it's not possible for one person to do it you know on his own. तो ये चीजें थी विच आई थॉट प्रॉब्ली और आपने अच्छी तरह से इन चीजों को बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया है. उम्मीद करते हैं कि लाइक आई मीन हमारे बच्चे जो हैं इन आपके जो जो आपके 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 जो आज लेक्चर रहा है आपकी सीरीज का, इससे काफी प्रभावित हुए होंगे और कुछ सीख मिली होगी. एंड वी वुड लाइक टू सी देम यू नो इन अ इन अ इन अ इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर यू नो द The day the, you know, the college opens or hum ummeed karte hain that they'll be more serious in life. You know, they'll look at things at a very different, from a very different perspective. Aur saath mein like jaise aapne towards the end of your session, like I mean aapne jin do professors ka naam liya tha, mere ko hansi aa rahi thi, main beech mein bola nahi. Baad mein mujhe dusre professor the jo 8 baje rukte the, wo bhi 5 baje aa gaye the. So good, good, आपने देखो उनको भी सिखा दिया. अच्छी चीजें ना अपने आप दूसरों पे असर छोड़ देती है. मैं तो खाली बस एक ही प्रिंसिपल जानता हूँ भैया, if I am not
able to finish my job, you know, 9 to 5, then I'm no use to the organization. I mean, if I'm extending, I could see, you know, me moving out of that chamber, and you know, one of my very most, you know, brilliant colleagues examples, sitting, you know, behind. Examples yeah. come from real life only. बुकिश एग्जांपल मेरे को नहीं लगता कि हम लोगों को उतना असर करते हैं क्योंकि किताबें तो हम लोग पढ़ते ही रहते हैं बट जो रियल बुकिश तो हमारी खाली बस एक वो है वो उसको पूरा करना है बस हमने जस्ट अ पीस ऑफ पेपर लर्निंग इज मोर इनटू द एग्जीक्यूशन ऑफ द आइडिया रादर देन स्टडीइंग अबाउट द आइडिया जब करते हैं वो गलतियां तब ज्यादा लर्निंग होती है No, I request so, Menka's exam. So, Menka, ma'am, if you please provide the vote of thanks to our guests because the time is less for us. And please provide the vote of thanks. Good afternoon, ma'am. Sir, on behalf of IMT College of Management, I extend my heartiest gratitude to you, Mr. Rakesh Mehta, Director of SL Education. Sir, the session was definitely a thought-provoking one, and this has definitely made us think in a new direction. The first-hand experience which is coming from you shows that how much effort, commitment goes into a successful venture. The significance of planning and proper execution are definitely the two keys of success. And you very well quoted that the most important is self-belief and self-confidence. Yes. So before I put my words to rest, I take a small quote from German poet von Goethe, which says that what one knows, one sees. So I would say to my students, see yourself victorious and you'll find your way. So keep on moving. So with this, I again extend my gratitude and thanks to Mr. Rakesh Mehta and the organizing committee. Thank you. Thank you to the complete IIMT team and especially the Bhatia sir for giving me this opportunity. God bless. God bless. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Rakesh ji. Thank you to see thank you. And thank you, sir. Thank nice you. To... Hear your voice. Thank you once again, Bhatia sir, and thank you all the team members, those who have conducted this. Yeah. Thank you, sir.